और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तिया अहमद साहब डॉक्टर साहब किसी तरफ के मोहताज नहीं है राइटर हैं स्कॉलर हैं बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बड़ी रिक्वेस्ट जब भी करते हैं तो हमें टाइम देते हैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी कमर चीमा साहब डॉक्टर साहब इनवाइट करने का थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है और जारी बात है जब हिस्ट्री की बात आती है तो फिर आपका भी नाम आता है वो क्वेश्चन है कि व्हाट इन कारगिल हुआ क्या बहुत सारे वर्जन हैं तो एक पाकिस्तानी वर्जन है एक इंडियन वर्जन है लेकिन पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि ये जो एडवेंचरिज्म की गई थी जनरल मुशरफ से के, के, ने उस वक़्त की और आ, कुछ लाइट इन्फेंट्री के लोग थे जिनको मुजाहिदीन बना के भेजा गया और फिर एक एक अम जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए तो आप कैसे देखते हैं इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा नो no, नथिंग क्योंकि उसको फॉलोअप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और और भी इंसिडेंट है लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है मैं कहता हूँ सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का कारगिल के बाद गिरा है और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की सो दैट वाज टोटल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ क्या हुआ ऐसे देखे थोड़ी सी बैकग्राउंड तो देखनी पड़ेगी ना जी बिल्कुल आप खुद बहुत बड़े एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल जो फैसले होते हैं ना अग्रीमेंट्स होते तो गवर्नमेंट्स करती हैं लेकिन वो स्टेट के नाम पे होते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है तो आ, इसकी बैकग्राउंड ये है कि 98 मई में, में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं वो टेस्ट किए उसी महीने के आखिर में पाकिस्तान ने किए तो इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ये सारा कुछ जो है एक और लेवल पे पहुंच गया क्योंकि वंस न्यूक्लियर वेपन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया ऑफ टेंशन जो है तो नेचर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है साथ साथ सार्क का भी एक काम चल रहा था और पहले इंदर कुमार गुजराल और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं आ, आ, शरीफ नवाज शरीफ मिले थे बाद में जब बीजेपी की हुकूमत इलेक्ट हो गई तो उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट था बाद में न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरफ से टेस्ट हो गए थे इन हालात में जब सार की एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान अपना नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात हुई तो वहाँ पे विदन चार्टर इनकी एक डिसीशन हुई कि वी विल मीट टू ब्रिंग टू एंड द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और अब इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेशन के जरिए इंक्लूडिंग कश्मीर एंड ऑल अदर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे और इसके बाद आप जानते हैं फरवरी 1999 में एक बहुत जबरदस्त उनका डेलीगेशन आया चीमा साहब उसके अंदर वेस्ट पंजाब से गए हुए जो पुराने थे ना लोग बहुत थे उस डेलीगेशन के अंदर राइटर्स थे फिल्म एक्टर्स थे सिंगर्स थे मसलन देवानंद गवर्नमेंट कॉलेज मेटनी हीरो महेंद्र कपूर बहुत बड़े सिंगर हुए हैं रफी साहब की तरह उनके वो अपना शगिरद थे और इस तरह सियालकोट से कुलदीप नायर और कई नाम मैं आपको बता सकता हूँ तो ये एक खैर स गाली का विजिट थी और जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पार्टीशन का था कि हिंदू महासभा या हिंदू राइट ने पार्टीशन को कभी नहीं था माना और कांग्रेस को ब्लेम किया था लेकिन वाजपेयी साहब ऑन हिज़ ओन इनिशिएटिव वेंट टू पाकिस्तान मीनार और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद जो हमारा एक था ना कि हम पार्टीशन को नहीं मानते वो ख़त्म हो गया है हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं एज अ मेजर नेशन ऑफ साउथ एशिया एंड वी वी विल वर्क इन कोऑपरेशन ठीक है ये स्पिरिट में लाहौर अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था अब चीमा साहब जब आपकी गवर्नमेंट ने ये साइन कर दिया तो अंडर नो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ नो रूल ऑफ क्या कहते हैं ऑर्डरी मोरालिटी, एथिक्स जो भी आप के आप इन सब चीजों के होते हुए अपनी हुकूमत को ही करें और वो कारगिल में जाके आप मुजाहिदीन पाकिस्तान के जो है ट्रूप्स मुजाहिदीन का वो पैन के लाइट इन्फेंट्री जैसे आप बता रहे हैं ये वहाँ पे चले गए और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए वो बंकरस जो इंडियन जो है सर्दियों के अंदर उन्हें विकेट कर देते थे और जैसा मई आता था वो वापस आ जाते थे अच्छा ये जो बंकरस हैं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है श्रीनगर से एक रोड चलता है लेह तक जो लद्दाख का कैपिटल होता था अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया तो ये रोड जो है ये कारगिल से होते हुए जाता था तो पाकिस्तान के मुशरफ और उनके वो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज या वोट ये दो तीन जनरल्स ने मिल के ये प्लान किया और एक फैट कॉम्पली अपनी तरफ से दिखाया यानी वो चीज जो हो गई लेकिन मे में ये शुरू हुआ पकड़े यानी इधर ये बातें हो रही थी और ये उधर लोग भेज रहे थे मे में फाइनली इट वॉज डिस्कवर्ड कि यार ये तो बंकर जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड है तो फिर इंडियन जो है देवर कॉट ऑफ गार्ड उन्होंने फिर अपनी मोबालाइजेशन की और एक जंग हुई ये साथ रिकॉर्ड पे ले आए कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की एक जंग होना दिस इज द ओनली केस अभी तक नहीं कहीं भी हुआ चाइना और इंडिया की जब हुई थी तो इंडिया वॉज नॉट ए न्यूक्लियर पावर देन एंड आई थिंक नॉट इवन चाइना चाइना ने सिक्सटी फोर में किया तो हिस्ट्री में टू न्यूक्लियर पावर गोइंग टू वॉर ऑल दो दिस वॉज अ मिनी वॉर और कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल हुए लेकिन उनके पास आर्सनल तो था ना तैयार तो ये कारगिल की एक बैकग्राउंड है अब आप सवाल कीजिए बिल्कुल अच्छा इसमें डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट चीज है जी एक चीज तो जारी बात है मुशर्रफ ने उस वक्त छुपाई बहुत सारी चीजें छुपाई और आ, हमने ये कहा जी कि ये आ, बेसिकली मुजाहिदीन है जी। एक चीज उस वक्त डिस्कस की गई और ये बात हुई कि फर्स्ट टाइम एक लफ्ज आया जिसको जिसका पाकिस्तान को फिर वो जान नहीं हमारी छूटी वो वर्ड था स्टेट ऑफ स्पॉन्सरिंग कि ये वो जो वर्ड पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया उन्होंने कहा जी ये वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म तो आप क्या समझते हैं हालांकि हमारी तो डॉक्टर साहब बहुत सारी हमने तो पिछले ये पंद्रह अठारह साल पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी की जंग में हमारी अफवाज अवाम जितना शहीद हुए हैं लेकिन वो टैग हमसे नहीं उतरा क्योंकि हमने वो मुजाहिदीन का नाम लिया कि वो मुजाहिदीन है और एक तो जब वो थे वो मुजाहिदीन नहीं और ऊपर से हमें ये भी डर था कि अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये मुजाहिदीन नहीं है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर ना खोल दें तो ये जो इसका जो पाकिस्तान को ये जो लेबलिंग हमारी हुई इसका आप क्या समझते हैं इसको हम ये दाग हम क्यों नहीं जो है वो धुल सका जबकि अभी रिसेंटली जब वॉर एंड टेरर हुई तो हमने पाकिस्तान ने ही तो जाने दी अभी भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं इनके खिलाफ हमारा मसला तो अभी भी सेटल नहीं हुआ अमेरिका तो यहाँ से छोड़ के चला गया आज भी तकी उस्मानी अफगानिस्तान गए हुए हैं डायलॉग करने हमारे टी टी पी के साथ तो ये जो क्वेश्चन है कि जो हमें लेबलिंग हुई है हमारी और फिर हम इसको दाग को ना धो सके इसमें आप क्या देखते हैं ये इसका रियासत को स्टेट को ओवरऑल लार्जली क्या नुकसान हुआ इसका देखिए जो उस जमाने में लफ्स इस्तेमाल शुरू हो गया था ना डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव टर्म वो थी रोग स्टेट कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट एक ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है वायलेट कैसे किया कि एक गवर्नमेंट की अग्रीमेंट्स को आपने खुद ही सबवर्ट कर दिया ना बीच में से और ये जो है कि ये पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है ये तो उससे पहले से लग गया था क्योंकि अफगान जिहाद के बाद 89 से इन्होंने वहाँ पे इंडियन कश्मीर में लोग भेजने शुरू कर दिए और दिस हैपन् नाइन्टी 99 तो तब तक तो दस साल हो गए थे इन इन चीज़ों को होते हुए एक चीज़ जो इस गुफ्तु -गु में इंक्लूड करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं ये वो नहीं जो जाके इंडिया के अंदर और इंडियन कश्मीर के अंदर करते थे सो देर आर डिफरेंट टेररिस्ट यूनिट्स ग्रुप्स जिनकी अब एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है तो जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं वो ये तहरीक तालिबान और ये इस किस्म के लोग एंड मैनी अदर्स लेकिन यहां से लश्कर तयबा जैश ए मोहम्मद अरकतुल मुजाहिदीन और कुछ और नाम के जो लोग हैं सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कहना चाहते हैं तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दुनिया बिल्कुल मानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है लेकिन वो कहते हैं वाई डिड यू प्रमोट टेररिज्म अब उसका जवाब कोई इतना हमारे पास आसान नहीं है पाकिस्तान को अफगान जिहाद में तो अमेरिकन और सऊदी और इस पैसे की ना, कोई की से नहीं जहाद कर रही है जी, एक था हमने कहा जहाद कर रही हैं और एक वक्त आया की इमरान खान ने कहा कि जो अफगानिस्तान कश्मीर में जाके इंडियन ऑकोपाइड कश्मीर में जाके जहाद करेगा या गन पकड़ेगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और फिर अभी पाकिस्तान जो ये इमरान खान के लफ्स हैं और अभी फिर पाकिस्तान ने हाफज सईद को सजा दी है में आ, से बचने के लिए तो ये जो आप समझते हैं आप नहीं समझते पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी और इनको बहुत पहले हमें फैसले कुछ कर लेने चाहिए थे आ, शायद आ, ये अगर पहले फैसले कर लेते तो हमारी जान जो है वो छूट जाती हमने जो लेट फैसले किए जो हम इंतजार करते रहे और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि इनकी मेन स्ट्रीमिंग कर लेते हैं क्योंकि जो मुजाहिदीन कश्मीर में जहाद कर रहे थे वो तो आज भी मेन स्ट्रीम हुए हैं मतलब उन्होंने रियासत के खिलाफ गन नहीं उठाई तो जो मेन स्ट्रीम हो इनको बहुत पहले कर लेते से ये से इनको माफ कर देते और मान लेते कि भाई ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं माजी में इनको हमने जहाज के लिए इस्तेमाल किया लेकिन और हाफज सईद को आज अभी दो में सजा मिल रही है बिकॉज एफ, एफ का प्रेशर है तो इसको आप क्या देखते हैं इस, इसकी भी तो पाकिस्तान को सजा मिली बिल्कुल आपने क्योंकि अभी भी जैश ए मोहम्मद के जो हैं वो अपना मौलाना मसूद उन पर कोई एक्शन नहीं ना हुआ हुआ बैन तो है वो तंजीम लेकिन एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था एक जहाज़ उनका इंडिया से नेपाल की फ़्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे और जसवंत सिंह वॉज अ लाइफ दैन ही वॉज आई थिंक इंडियाज़ डिफेंस या होम मिनिस्टर वो वहाँ पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया कई लोगों को इन्होंने जहाज में ही मार दिया था एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे उनको भी इन्होंने मार दिया तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ए, ए, ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्ज़ाम ना लगे आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गेनाइजेशन हैं ज्यादातर वो अफगान ऑर्गेनाइजेशन हैं आप कह सकते हैं आप बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है कुछ फाटा के अंदर फॉरमर होता रहा है बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता हमारे जैसे आपने कहा इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं कि ये उन्होंने बयान दिया है बट एज यू द डे अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिसफाई कर सके मौलाना अजहर जो है अज, मसूद अजहर या वट एवर इज नेम वो भी हैं और कुछ और लोग हैं लखवी और ये और वो हु आप देखें इमरान खान वो क्या कहते हैं शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी इन्होंने बता दिया था कि अजमल वो जो है कसाब वो पाकिस्तानी है ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था आपके अपने होम मिनिस्टर ने ये कह दिया यार उस दिन इंडियन मजाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपने अपना मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया सो यू सी दिस डजेंट वर्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल सही कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो चाइना फैक्टर है उसमें वो क्या था सुनने में आता है कि चाइनीज ने बेसिकली जनरल की की और अमरीकियों को बता दिया कि ये इस तरह का प्लान रखते हैं कारगिल में तो चाइना भी जो है वो भी तो एक चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो कोई एडवेंचरिज्म ना करे तो पाकिस्तान जो है बल्कि चाइनीज तो ये भी पाकिस्तान को कहते रहे कि इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करें तो ये पाकिस्तान चाइना की भी क्यों नहीं सुनता रहा इस मामले में क्योंकि वैसे तो हम बड़ा उसे कहते हैं हायर देन देन और डीपर पता नहीं की, की कहते हैं वो बात ये है अपना चीमा साहब आप तो रहते हैं इस्लामा इन सवालों का जवाब मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं तो चाइना का बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग मैं तो क्योंकि उस जमाने में लिख भी रहा था और किताब भी मेरी स्टेट में ये सारी डिटेल्स हैं Uh, और भी एक मैं एक दो किस्से आपको बताऊंगा विच आर क्वाइट एस्टाउंडिंग वो देखें आप के चाइना सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कारगिल तो अब ये आपसे खबर मिली है कि उन्होंने ये टैप कर लिए थे टेलीफोन कॉल और अमेरिका को दे दिया था विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग चाइना डिड नॉट एट ऑल बैक ये जो पाकिस्तानी एक्शन है जिस तरह इंडियन हमेशा समझते हैं कि चाइना यार कुछ कर, ऐसे नहीं होता यार हमारे अपना जो है ना डिसीशन मेकिंग प्रोसेस वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है नो बडी नोज के कौन फाइनली डिसाइड करता है कि क्या होगा सो दैट्स द प्रॉब्लम देर इज क्या कहते हैं यार एक पूरी एक देर इज अ कर्टन एंड नो बडी नोज के बिहाइंड दिस हु इज द रियल डीप स्टेट ये एक पजल है जो उसकी समझ नहीं आती आज पता लग गया आपसे मुझे नहीं था पता कि चाइनीज है इंफॉर्मेशन टू द अमेरिकन लेकिन प्रूफ क्या होता है प्रूफ तो यही होता है ना कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ था यानी परवेज मुशरफ ने और ये एक डिजास्टर है सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना इट हैज बॉटम और उसके बाद वहां से उठे ही नहीं कभी

10 15 3 ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਵਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰਮੀਜ਼ ਓਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਹਮ ਸੋ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਉਨਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਾਣਗੇ चाइना के पास तो नहीं ना जा सकते अमेरिका ही दरवाज़ा खड़काएंगे और पाकिस्तान ने खड़काया और वहाँ पर हैं कि अब वहाँ पे झगड़ा ये है कि अपना नवाज़ शरीफ कहते हैं जी मुझे तो बताया ही नहीं और मुशरफ नहीं ये जंग इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रही थी इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स और उनकी पूरी वो बू गन्स तबाही मचा रही थी तो कहते हैं कि वो उनके पास आए

वो फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्टमेंट की बहुत सलाटर किया लोगों को बिल्कुल सही है आ, अगर आप पढ़े इन द लाइन ऑफ फायर तो मुशरफ ब्लेम्स के जी हम तो जीते हुए थे ये था वो था एंड नवाज शरीफ बेन देर एंड ही, ही केव और ये और वो तो ये हमारे ब्लेम गेम दोनों की चलती है लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा क्रेडिबल है मुझे तो ये लगता है तो डॉक्टर साहब फिर एट द एंड ऑफ द डे बात तो फिर यही हुई ना कि तो विल ऑफ द पीपल जो है जब तक तो वो प्रिवेल नहीं करेगी और जो इलेक्टेड लोग हैं उनके फैसलों की इज्जत नहीं नहीं होगी और वो फैसले नहीं करेंगे और बंद कमरों में बैठ के इंडिविजुअल फैसले करेंगे तो नुकसान तो फिर तब होता है का और हमने इस चीज का नुकसान उठाया इस चीज का बिल्कुल उठाया कहा जाता है कि डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर और अगर हम इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, तो दो तीन जंगें जो हुई हैं, उसमें वाकई सिविलियन नहीं थी क्योंकि सिविलियन को हर चीज मजबूरन एक्सप्लेन तो करनी पड़ती है ना तो वो कैसे शो करें कि हमने जंग शुरू की और हम जंग में कुछ भी अचीव नहीं कर सके ये मसला है ना तो विल ऑफ द पीपल जिस दिन पाकिस्तान में सीरियसली ली जाएगी तो हम ये सारी कॉन्फ्रेंटेशन ऑफ इंडिया को जीरो कर देंगे अपने बेस्ट इंटरेस्ट में देखिए इंडिया ने इसको फेस किया है और अब उनकी इकोनमी उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ कैसे बढ़ रहा है हाँ जी हमने अच्छी भला हेड स्टार्ट सिक्सटीज में हमारे पास था पूरा वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट करता था वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की इनकी इंडस्ट्री कायम हुई चाहे वो ठीक है कंज्यूमर लाइट इंडस्ट्री थी लेकिन पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी इन्होंने सारा वो जंगे कश्मीर अच्छा इंडियंस की दो दो बातें सुना तो वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं कभी सामने से आके नहीं कर जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दिलेर समझते हैं एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके <laughs> अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर यस फोर्टी सेवन फोर्टी एट में यही हुआ सिक्सटी फाइव में भी यही हुआ और कारगिल में भी ये, हुआ, में भी ये हुआ दूसरी बात जब एन आई वॉज एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा तो वहाँ आई मेट ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर नायर नै, जो एक्चुअली फुला है ना तहसील गुजरात की ये वहाँ की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहाँ गई तो वही पंजाबी उनके घर में गया किसी के जरिए कांटेक्ट मिला उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई फाइटिंग इन दैट वॉर तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए तो जो आ, है ना उसका क्या कहना चाहिए प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और वट उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है ये तो मुजाहिदीन है, है तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए वो तो सड़ जाएंगी तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट मुस्लिम प्रीस्ट सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं बाद में फिर इन्होंने मान नहीं लिया कि ये हमारे लोग हैं और आप वीडियो भी देख लेंगे इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो एनरेप करके तो वापस कर रहे हैं क्योंकि ये एक दो आर्मीज के अंदर है जो सोल्जर्स लड़ते हैं या मारे जाते हैं उनका अपना झगड़ा तो पर्सनल कोई नहीं होता दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है तो ये भी दो चीजें मैंने आपको और बता दी हैं पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन लैकिंग व्हाट आई आई हैव सेड टू यू थिंक द फर्स्ट टाइम वी स्ट्रेटिजिक ओवर ओवरव्यू के करना क्या है देखो इन्होंने कारगिल किया था ना उन्हें पता था इसके पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको पता था पता होना चाहिए था کہ اس کے انٹرنیشنل فورم میں کانسی کوینسیز ہوں گے ان کی تیاری کوئی نہیں تھی تو نواز شریف ہیڈ ٹو کٹ ا ویری سوری فگر وہاں جا کے منتیں کی تے پھر انہوں نے او انہوں نے انا دا سارا کی کہندے ہیں جڑا کانفرنٹیشن ختم کیتا اینڈ کارگل واز اوور بے نظیر نواز جی دا گاٹا بھی لا چھڑے ہیں او 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 دے بعد انجو ہے نا بے نظیر ਦੇ ਕੇ ਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ 3000 ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅ ਨੋ ਅਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ 2500 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਇਧੇ ਛਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹ ਸੌ ਮੈਂਚ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਓਨ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਅ ਹਿੱਲ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਫ্রম ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਰੀਚ ਦੋਸ ਪਲੇਸਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੈਜੁਐਲਟੀਆਂ ਆਨ ਦੀ

उनको ये ये उन हैं वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है ये है कि अगर आपने एक एडवेंचर करना भी है तो एटलीस्ट अपने को तो इतमाज मिलो. तो तो बनाओ। और, मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊँ ये जो कारगिल तो है ही है जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ये जो बालाकोट इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौका नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया या इंटरनेशनल लॉ की वोलेशन है ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है इसको नॉर्मली हम एड्रेस नहीं करते और मुस्लिम वर्ल्ड किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रेशन है इंटरनेशनल लॉ की वोलेशन है क्या देखिए उनके पास कैपेबिलिटी है कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास भी है स्ट्राइक मारना मिसाइल चलाना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पाकिस्तान भी चला सकता है वो तो कोई मसला नहीं है क्वेश्चन ये ये नहीं है क्वेश्चन कि आपके एक्ट जंग जो है सिर्फ वो ऑन ग्राउंड जीतनी होती इंटरनेशनली भी आपने एक जो है, वो, 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 वो इसी वजह ना कि ये सारे टेक्टिकल कमांडर ये ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बन गए हैं ये मैंने कह तो दी है मेरी जान के पीछे ना पड़ जाए ये है फील्ड कमांडर्स कि मैंने इस, इस इलाके में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं और वो ये कामयाब हो जाते हैं मुख्तलिफ थिएटर ऑफ वॉर में जो लेकिन होती है ना एक ओवरऑल प्लानिंग ऑफ ऑफ एन ऑपरेशन वो इनके पास कभी भी नहीं है ना पहली जंग में था ना सिक्सटी में था और ना कारगिल में था Anyhow, इसके जारी बात है हिस्ट्री जो है वो ही सिखाती है लगता तो ये है कि वो मैंने कहीं पढ़ा था पीपल रियली रियली लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट दे डोंट वीपल हिस्ट्रीटलीटली लोग जो है हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते हम भी लगता है हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख रहे और विल ऑफ द पीपल प्रिवेल नहीं कर रही अभी भी जी लोगों का तो मुझे पता नहीं लेकिन ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि हम नहीं सीखते